हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कार का कांच तोड़कर 10 तोला सोना व नकदी चोरी। सातपुर के मुख्य मार्ग पर खड़ी कारों का तोड़ा कांच। सातपुर कृषि मंडी के पास मुख्य मार्ग पर खड़ी कार का देर रात को अज्ञात चोरों ने कांच तोड़ दिया। कार में पड़े बैग में रखे 10 तोले सोने के आभूषण व कार में रखे 40,000 रुपए चोरी कर लिए। सूचना पर रिको पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया। चोरी की पूरी वारदात समीप स्थित एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर में इन दिनों चोरों के हौसले परवान पर है। तार चोरियों की वारदातें सामने आ रही हैं। इसी की बानगी सातपुर के मुख्य मार्ग पर देखने को मिली, जहां कृषि मंडी के पीछे के निवासी गोपाल अग्रवाल व के वर्मा की कार के दरवाजे के कांच को अज्ञात चोरों ने पत्थरों से तोड़ दिया। पीछे की सीट पर पड़े बैग में से 10 तोला सोने के आभूषण व कार में रखे हुए 40,000 रुपए चुरा लिए। चोरी की वारदात का पता चलने पर मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। रिको पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल क्षेत्र में बढ़ती चोरियों से लोगों में भय व्याप्त होता है। शादी से लौटा था परिवार। सातपुर कृषि मंडी के पीछे के निवासी व यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के सहायक प्रबंधक के वर्मा ने बताया कि वह अहमदाबाद में इलाज करवाने के बाद आबू रोड लौट रहे थे। उनके साथ मकान मालिक गोपाल अग्रवाल की पुत्री व परिवार जन थे। देर रात को आबू रोड पहुंचे। उनके घर का रास्ता क्षतिग्रस्त होने के चलते उन्होंने कार सड़क किनारे खड़ी कर दी। मकान मालिक की पुत्री ने गलती से अपने कपड़े के बैग व स्वर्ण आभूषण रख दिए। बैग डिग्गी में पड़ा था, लेकिन डिग्गी बंद नहीं होने पर उन्होंने बैग को पीछे की सीट पर रख दिया। उनकी पुत्री ने ये नहीं बताया कि बैग में सोने के आभूषण है। वो घर चले गए। सुबह बैग लेने पहुंचे तो कार का कांच टूटा हुआ मिला। 10 तोले सोने के आभूषण नदारद मिले। साथ ही उनकी कार में रखे हुए 40,000 भी गायब मिले। चोरी की पूरी वारदात समीप स्थित एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में कार के पास संदिग्ध युवक नजर आया। इसके आधार पर ही संदिग्ध की पहचान की गई। कार के पास नाक कान और वह छोटे आभूषण पड़े हुए मिले। इस पर आसपास झाड़ियों में नालियों में तलाशी की गई। खाली मिला बैग। मौके पर पहुंचे आकाश माली ने सफाई कर्मियों को मौके पर बुलाया। नाली व कचरे में तलाश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आकाश माली ने पीड़ित परिवारों को ढांढस बधाया। साथ ही सहयोगियों के साथ सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध को पहचान लिया। युवाओं ने उसे अक्सर देखे जाने का हवाला दिया। सभी संदिग्ध तो तलाशते हुए रिको क्षेत्र पहुंचे, जहां सेंट एंथलम स्कूल के पास संदिग्ध दिखाई दे गए। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।